राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज सावन का महीना बड़ा मंगलवार, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मंगला गौरी व्रत की कथा। बंधुओं, सावन मास में मंगला गौरी व्रत की बहुत अधिक महिमा है। जो मनुष्य भी सावन मास में मंगला गौरी व्रत करते हैं या फिर मंगला गौरी व्रत की कथा को सुनते हैं, उनके घर में मंगल ही मंगल होता चला जाता है। बंधुओं, उनकी हर इच्छा पूरी होती चली जाती है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनें, सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय मंगला गौरी जरूर लिखें। बोलो मंगला गौरी माता की जय हो। बंधुओं, मंगला गौरी व्रत करने से वैधव्य का नाश होता है। विवाह के बाद 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत का नाम मंगला गौरी है। यह व्रत ताप का नाश करने वाला है। विवाह के बाद पहले मंगलवार के दिन इस व्रत को आरंभ करें। पुष्प मंडप का निर्माण कर उसे कदली स्तंभों से शोभित करना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्रों और फलों से सजाना चाहिए। मंडप में देवी की सोने की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। यदि सोने की प्रतिमा बनवाने की शक्ति ना हो तो अपनी शक्ति अनुसार किसी अन्य धातु की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करें। इसके बाद उस प्रतिमा का अर्चन करना चाहिए। उस मंगला गौरी की प्रतिमा का षोडश उपचारों 16 दूर्वा दलों से और 16 चिड़चिड़ा दलों से, 16 चावल और 16 चने की दाल के दानों से अर्चन करना चाहिए। 16 बत्तियों का एक दीपक होना चाहिए अथवा 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही चावलों का नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। देवी की मूर्ति के पास सिल लोडा रखना चाहिए। इस तरह 5 वर्ष तक व्रत करना चाहिए। फिर उद्यापन करके माता को बायना देना चाहिए। अब बायना के संबंध में सुनो। मंगला गौरी की 1 पल सोने की प्रतिमा बनवानी चाहिए या आधे पल या आधे से आधे पल की प्रतिमा बनवानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार सोने अथवा चांदी के घड़े को चावलों से भरना चाहिए। उस घड़े के ऊपर पहनने के कपड़े या चोली रखनी चाहिए। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखनी चाहिए। देवी के नजदीक जैसा कि ऊपर बताया है सिल लोढ़ा रखना चाहिए। यह सिल लोढ़ा चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए बायना देना चाहिए। फिर 16 सुहागन ब्राह्मणियों को भोजन करवाएं। इस प्रकार व्रत करने से 7 जन्म तक अटल सौभाग्य, पुत्र पुत्र संपत्ति आदि सब अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। सनत कुमार जी भगवान शिव से पूछते हैं कि प्रभु, इस व्रत को पहले किसने किया था, इसके करने से किस फल की प्राप्ति हुई, कृपा करके आप मुझे इस व्रत के संबंध में बताएं, जिससे इस व्रत से मेरी श्रद्धा हो जाए। भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, प्राचीन काल में कुरु देश में शुद्ध कीर्ति नामक एक राजा शस्त्र ज्ञाता कीर्तिमान तथा शत्रु रहित था। वह 64 कलाओं को जानने वाला धनुर्विद्या में निपुण था। उसके यहाँ संसार की किसी वस्तु की कमी ना थी। कमी थी तो केवल एक संतान की। संतान प्राप्ति के लिए वह दिन रात यत्न करता रहता था। उसने संतान के लिए देवी की आराधना की। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और कहा, हे शुद्धकीर्ति, वर मांगो। राजा शुद्धकीर्ति ने कहा, माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र दो। आपकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि किसी चीज की कमी ना रहे। मेरे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं, बस एक पुत्र सुख को छोड़कर मेरे यहाँ सब आनंद है। राजा का वचन सुनकर देवी मुस्कुराई। उसने कहा, राजन, तुमने एक दुर्लभ वस्तु की याचना की है, फिर भी तुमको पुत्र अवश्य दूंगी, लेकिन तुम मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। तुम्हारे यहाँ जो पुत्र होगा वह अत्यंत गुणवान भी होगा, किंतु वह 16 वर्ष से अधिक नहीं जिएगा। हाँ, यदि एक सुंदर अथवा विद्या विहीन पुत्र होगा तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा।
देवी की बात सुनकर राजा चिंताग्रस्त हो गया। उसने अपनी रानी से बात की और फिर उसकी बात से गुनी संपूर्ण लक्षण युक्त 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने कहा, राजा मेरे मंदिर के मुख्य द्वार पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा है कि तुम उस पेड़ में से एक आम तोड़कर अपनी रानी को खाने के लिए दो। उसको खाने से रानी को अवश्य मेव गर्भ रहेगा। राजा ने प्रसन्न होकर देवी के मंदिर के मुख्य द्वार पर जो आम का पेड़ था वहां से एक आम तोड़कर अपनी पत्नी को खाने के लिए दिया। रानी ने देवी के आदेश अनुसार फल खाया और 10 मास के बाद उसके यहाँ देव पुत्र तुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जात कर्म आदि संस्कार करवाया और भगवान सदाशिव का ध्यान धरकर उसका नाम चिरायु रखा। लड़का अपने माता पिता की देख रेख में चांद की तरह बढ़ने लगा। दिन बीतते चले गए और उसका 16वां वर्ष आरंभ हो गया। राजा रानी दोनों को चिंता सताने लगी। राजा ने सोचा, मैंने यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त किया है, अपनी आंखों से मैं इसकी मृत्यु कैसे देख पाऊंगा। यह विचार करके उसने राजकुमार को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। जाने के समय रानी ने अपने भाई से कहा, तुम कारपटिक वेश धारण करके राजकुमार को काशी ले जाओ। मैंने इसके जन्म से पूर्व भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि हे प्रभो, पुत्र प्राप्ति पर मैं उसे जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी। तुम इसको इसी समय काशी ले जाओ, इसकी देह प्राण की रक्षा करना। रानी का भाई अपनी बहन की बात सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी चला गया। कई दिन की यात्रा के बाद वह आनंद नगर पहुंचा। वहां पर वीरसेन नामक राजा राज्य करता था, जो कि शस्त्र ज्ञाता कीर्तिमान शत्रु रहित था। उस राजा की कन्या मंगल गौरी अपने रूप लावण्य के कारण चहुं और प्रसिद्ध थी। मानो वह राजकुमारी आकाश के चांद की तुलना में धरती का चांद थी। जिस समय राजकुमार चिरायु और उसका मामा आनंद नगर में शहर से बाहर के शाही बगीचे में पहुंचे, उस समय राजकुमारी मंगला गौरी अपनी सखी सहेलियों के साथ खेल रही थी। राजकुमार चिरायु तथा उसका मामा खेलती हुई लड़कियों को देखने लगे। खेलती हुई लड़कियों में से एक ने क्रोध में भर कर राजकुमार को रंडा कहा। उस बालिका को क्रोधित और दुर्वचन कहते देखकर राजकुमारी ने उस बालिका से कहा, हे सखी, तुम दुर्वचन क्यों कहती हो? मेरे संग अयोग्य वाणी बोलने वाली कोई भी स्त्री नहीं है। देखो, मंगला गौरी के प्रसाद एवं मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके माथे पर चावल गिर जाए, उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर यदि वह थोड़ी आयु वाला है तो भी चिरायु हो जाएगा। इसके बाद सब बालिकाएं अपने अपने घरों को लौट गईं। उस दिन राजकुमारी का विवाह बालिक देश के दृढ़ धर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम के राजकुमार से होने वाला था, लेकिन सुकेतु मूर्ख कुरूप बहरा था। वर पक्ष वाले उसकी बजाय विवाह मंडप में अन्य अच्छा वर ले जाने की इच्छा प्रकट कर चुके थे। विवाह के पश्चात सुकेतु के बजाय प्रस्तुत वर को भगा दिया जाएगा और सुकेतु बालिक देश को अपनी पत्नी लेकर लौट जाएगा। ऐसा विचार करके वर पक्ष के कुछ आदमी चिरायु के पास जाकर उसके मामा से कहने लगे, यह बालक तुम हमें दे दो, इसके द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होने वाला है। इस भूमि पर प्रोप का जैसा अन्य कोई धर्म नहीं है। उन लोगों की बात सुनकर चिरायु का मामा प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह बगीचे में मंगला गौरी की बात सुन चुका था। उसने वर पक्ष वालों से कहा, आप लोग इस लड़के को क्यों चाहते हैं? विवाह के लिए वस्त्र गहने आदि तो मांगे जा सकते हैं, लेकिन कोई वर थोड़े ही मांगा जाता है। फिर भी मैं आपकी बात रखता हुआ लड़का आपको दे रहा हूँ। वर पक्षीय जन राजकुमार चिरायु को विवाह मंडप में ले गए और विवाह कार्य सिद्ध हो गया। जब शपथपदी आदि कार्य होने के बाद रात में राजकुमार मंगला गौरी के साथ सोया, तभी उसका 16वां वर्ष समाप्त हो रहा था। ठीक उसी समय काल सांप के रूप में वहां आया। संयोगवश उसी समय राजकुमारी की नींद खुल गई और वह सांप को देखकर मारे भय के कांपने लगी। फिर उसने भय त्याग कर सांप की पूजा की, पीने के लिए उसे बहुत सा दूध दिया, प्रार्थना की, दीन वाणी से उसकी स्तुति की। मंगला गौरी ने कहा, मैं उत्तम व्रत करूंगी,
मेरे पतिदेव जीवित हो जाएं और चिरंजीवी हो जाएं। देखते ही देखते सांप कमंडल में प्रवेश कर गया। अपनी कुछ की चोली से राजकुमारी ने कमंडल का मुख बांध दिया। उस समय राजकुमार अपने शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जाकर उठकर बैठ गया। उसने राजकुमारी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। राजकुमारी ने माता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार ने प्रसन्न होकर भोजन किया। हाथ धोते समय उसका हार गिर गया। वह पान खाकर दोबारा सो गया। उसके सोने के बाद राजकुमारी कमंडल को बाहर फेंकने के लिए गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाते समय चमकते हुए हार की चमक देखकर चकित रह गई। उसने घर में स्थित हार को अपने गले में पहन लिया। थोड़ी रात बाकी रहने पर चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षीय जन सुकेतु को वहां ले आए। मंगला गोरी ने जब सुकेतु को देखा तो कहा, यह मेरा पति नहीं है। इस पर वर पक्षीय जनों ने राजकुमारी से कहा, हे देवी, यह तुम क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गोरी ने कहा, रात को मेरे पति ने जो मुझे जड़ाऊ हार दिया है, उस हार के रत्नों की सुंदरता यह बतलाए, यह कोई अन्य ही है। रात्रि में आम्रसेचन के समय मेरे पति का केशरयुक्त पद मेरी जांग में लगा हुआ है। सब लोग उसे देखो। रात के समय मेरे और मेरे पति के बीच जो बातचीत हुई और हमने क्या भोजन किया, यह भी बतलावे तो यह मेरा पति होगा। मंगला गोरी की बात सुनकर वर पक्षीय जनों ने कहा, ठीक है, लेकिन सुकेतु उपर्युक्त प्रश्नों में से किसी एक का भी उत्तर नहीं दे सका। इस पर कन्या पक्ष वालों ने उसके साथ राजकुमारी को भेजने से इनकार कर दिया और वर पक्षीय जन अपना सा मुंह लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। मंगला गोरी के पिता महाराजा वीरसेन ने प्रसन्न होकर एक महान यज्ञ करवाया। उसने यह भी सुना कि वर पक्षीय जन किस प्रकार अपने क्रूर राजकुमार के बजाय किसी अन्य सुंदर युवक को विवाह के मंडप में ले आए थे और उसके साथ मंगला गोरी का विवाह हुआ था। अब मंगला गोरी राजमहल के बरामदे में एक चिक की ओट में बैठ गई और प्रत्येक आते जाते यात्री को देखने लगी ताकि उनमें कहीं उसे चिरायु दिखाई दे जाए। उधर चिरायु भी अपनी ससुराल का हाल जानने के लिए अपने मामा के साथ वहां आ पहुंचा। जो ही वह चिक के सामने से गुजरा, मंगला गोरी ने उसे देखकर कहा, पिताजी, मेरे पति आ गए हैं। राजा ने तुरंत ही मामा भांजे को राजभवन के भीतर बुलवा भेजा। मंगला गोरी की बतलाई हुई सब निशानियां चिरायु में मौजूद थी। राजा ने वस्त्र आभरण, अश्व, गज, रथ, अन्य बहुत सी चीजों के साथ मंगला गोरी को चिरायु के साथ कर दिया। उसके बाद चिरायु राजा वीरसेन से विदा होकर अपनी पत्नी एवं मामा के साथ कुल नंदन सेना सहित अपने नगर को गया। जब उसके माता पिता ने लोगों के मुख से उसकी वापसी के संबंध में सुना तो उन्हें इस बात का विश्वास न हुआ। वह सोचने लगे, भाग्य के विपरीत कैसे हो सकता है। वह अभी यह सोच ही रहे थे कि राजकुमार चिरायु ने माता और पिता के चरणों में प्रणाम किया। माता ने उसका सिर चुमा और उसके आनंद का कोई ठिकाना ना रहा। फिर उसने पुत्रवधू को अपनी गोदी में बिठाकर उससे उसका हाल चाल पूछा। भगवान शंकर बोले, हे महामुने, मंगला गोरी उसको व्रत महात्म पिछला समस्त घटना चक्र बतलाया, तभी से यह व्रत मंगला गोरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो इस कहानी को सुनेगा, इसका कीर्तन करेगा, उसके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, इसमें संशय नहीं। जो मनुष्य भी मंगला गोरी की इस कथा को सुनते हैं, उनके सभी कार्यों की सिद्धि हो जाती है। बोलो मंगला गोरी की जय हो। शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।